वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12A टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल दैट इज मॉड्यूल 4 विच इज ऑन टॉपिक वर्किंग विथ फंक्शंस इन पाइथन पार्ट 4. द प्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस वीडियो आर, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस 3 वीडियोस जिनके लिंक ये नीचे दिए हुए हैं इनको व्यू कर लें और फिर इस वीडियो को देखें. तो इससे पहले ये कंटिन्यूटी, ये वीडियो कंटिन्यूटी में है इन तीनों वीडियो के. इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कशन ऑफ होमवर्क गिवन इन मॉड्यूल 3, पासिंग लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, पासिंग स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. तो एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा था. वीडियो ट्यूटोरियल 3 में हमने आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और ये आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है पोजिशनल, या इसी को कहते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स. दूसरे होते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और तीसरे होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें ये तीनों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. एक फाइल ओपन करी. एक फंक्शन हमने बनाया def. फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं def. फंक्शन नाम रखा हमने सम, और इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे. कोई बता सकता है इन आर्ग्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं जो हम लोग डिफाइन करते हुए पास करते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. यहां पे हमने तीनों का सम किया. और प्रिंट करा दिया सम. फिर आता है मेन ब्लॉक. मेन ब्लॉक में हमने वैल्यूज दी, ए को 10, बी को 20, या हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं क्योंकि आउटपुट के क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यूज भी आ सकती हैं. सम को कॉल किया और यहां पास कर दिया 10, 20, 30. इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, यानी फंक्शन कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उन्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में लेफ्ट टू राइट असाइन होती है. इट मींस 10 की वैल्यू असाइन होगी ए को, 20 असाइन होगी बी को, और 30 असाइन होगी सी को. तो ये आउटपुट आ जाएगा 10 प्लस 20, 30 प्लस 30, 60. तो यहां सम की वैल्यू आ जाएगी 60. जब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है सम इक्वल टू 60. लेकिन यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि 10 की वैल्यू किसको असाइन हुई? सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में लेफ्ट टू राइट असाइन होती है. तो 10 की वैल्यू असाइन हुई ए को, 20 की वैल्यू असाइन हुई बी को, और 30 की वैल्यू असाइन हुई सी को. अब अगर हम यहां से 30 हटा दें तो क्या आउटपुट आएगा? कोई बता सकता है? यस, आउटपुट आएगा एरर. मींस एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये तीनों बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं. रिक्वायर्ड या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इनकी वैल्यू देना कंपलसरी होता है प्रोग्राम में.
आपने डिफाइन करते हुए बताया है कि तीन आर्गुमेंट पास हो रही हैं और आप कॉलिंग के वक्त सिर्फ दो आर्गुमेंट दे रहे हो, एरर आएगा। देखिए क्या एरर आता है, एरर आ रहा है सम फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सी, यानी सी को वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका लो बाय डिफॉल्ट आप जो आर्गुमेंट्स पास करते हो वो सब रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स होती हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि ये सही वर्क करे, हम सिर्फ 10-20 दें और तब भी ये रन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर सी में जाके कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सी को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 5, तो यहां पे सी कहलाएगी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का फायदा ये होता है कि अगर उसे कॉलिंग के वक्त पास ना करें तो वो बाय डिफॉल्ट उसको वैल्यू असाइन हो जाती है। अब ये प्रोग्राम जो पहले एरर दे रहा था अब ये एरर नहीं देगा, अब 10 की वैल्यू ए में जाएगी, 20 की वैल्यू बी में जाएगी और सी को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 5। तो 10 + 20 = 30 + 5 = 35 आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फिर आपने देखा कि मान लीजिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम हटा देते हैं, अब हमने यहां पे पास किया 10, 20, 30, तो 10 की वैल्यू किसको जा रही है, ए में, 20 की वैल्यू बी में, यानी जिस ऑर्डर में आप वैल्यू पास करेंगे उसी ऑर्डर में वैल्यू लेफ्ट टू राइट असाइन होगी। हम चाहते हैं ये 10 वैल्यू ए में ना जाके बी को मिल जाए, समझिएगा ध्यान से, ये 10 वैल्यू बाय डिफॉल्ट किसको जा रही है, ए को, ये ए को ना जाके बी को मिल जाए, ये 20 बी को ना मिलके ए को मिल जाए, या 30 ए को मिल जाए सी को ना मिले। तो हम यहां पे नाम दे के पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने दे दिया सी इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30। इनको बोलते हैं हेयर ए बी सी आर कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जब आप आर्ग्यूमेंट्स को नाम दे के पास करते हैं तो उन्हें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहां पे सी की वैल्यू 10 दे दी, तो यानी सी कहीं भी होगा ऊपर उसको 10 असाइन हो जाएगा। अब हम उसी ऑर्डर में पास करना आर्ग्यूमेंट्स को जरूरी नहीं है, ए इक्वल टू 20 लिखा तो ए ऊपर कहीं भी होगा उसे 20 मिल जाएगा और बी को 30 मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट 60 आ जाएगा, देखिए आ रहा है सम इक्वल टू 60। तो ये हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था कि एक ये फंक्शन हेडर दिया हुआ है और उसके बाद ये 8 तरीके से फंक्शंस कॉल करके दिखाए गए हैं। तो आपको सही बताना है कि ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर से या आंसर से हम यहीं पे लिखते जाते हैं। पहले इन्फो कॉल हुआ और एक वेरिएबल पास हुआ obj1। अब कोई भी obj1 वैल्यू हो, ये अंडरस्टूड है कि कोई वेरिएबल लिया वो पास किया, तो obj1 की वैल्यू किसको जाएगी, ऑब्जेक्ट को, लेफ्ट से आती है, और बाकी को डिफॉल्ट वैल्यू मिली हुई है तो स्पेसिंग को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 10 और कोलैप्स को वैल्यू मिल जाएगी 1, यानी ये फंक्शन कॉल वैलिड है। दूसरा में इन्फो कॉल हुआ और हमने एक आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दी स्पेसिंग, इट मींस स्पेसिंग को वैल्यू मिल रही है 10, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट थी ऑब्जेक्ट इसको तो वैल्यू ही नहीं मिली। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को वैल्यू ना मिले और आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दो या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दो। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का नाम ही रिक्वायर्ड इसलिए पड़ा है कि उसको वैल्यू पास करना जरूरी है। अगर हमने ये लिख दिया होता 10, spacing = 20 तो ये सही हो जाता। इसका मतलब ये कॉलिंग पार्ट आपका इनवैलिड है। रीजन क्या है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग। थर्ड में जो कॉल हो रहा है इन्फो उसमें ऑब्जेक्ट टू नाम का कोई वेरिएबल पास हुआ तो ये ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू किसको जाएगी, ऑब्जेक्ट को जाएगी, और 12 की वैल्यू किसको जाएगी, स्पेसिंग को। मैंने बताया था ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, ये डिफॉल्ट को ओवरराइड कर देगी, तो स्पेसिंग वैल्यू 10 ओवरराइड होके हो जाएगी 12 और बाय डिफॉल्ट कोलैप्स को क्या वैल्यू मिल जाएगी 1। इसका मतलब ये है वैलिड। फोर्थ में देखिए डी पार्ट में
इन्फो फंक्शन कॉल हो रहा है, एक वेरिएबल पास हुआ ओबीजे वन वन, और दूसरा हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दी। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे पता चलता है? अगर हम वेरिएबल का नाम लिख के वैल्यू पास करें तो वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होती है। तो ओबीजे वन वन की वैल्यू किसमें जाएगी? लेफ्ट से जाएगी ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओबीजे ट्वेल्व की वैल्यू भी किसमें जाएगी? ऑब्जेक्ट में। ये पॉसिबल नहीं है, एक ही आर्ग्यूमेंट को एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनवैलिड। इसका रीजन क्या है? तो जो बी वाला इनवैलिड था उसमें का रीजन था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, और डी इनवैलिड इसलिए कि सेम आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी गिवन वैल्यू मोर देन वंस। अब ई पार्ट देखिए, इन्फो फंक्शन कॉल हो रहा है, एक वेरिएबल पास हुआ ओबीजे थ्री, तो ओबीजे थ्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है तो उसकी वैल्यू आ गई ऊपर हेडर ऑब्जेक्ट में, और कोलैप्स को वैल्यू मिल गई जीरो। किस वेरिएबल को वैल्यू नहीं मिल रही है? स्पेसिंग को, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, यानी तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू मिल गई। इट मीन्स दिस इज वैलिड। एफ पार्ट में आइए, एफ पार्ट में इन्फो नाम का फंक्शन कॉल हुआ। इस इन्फो नाम के फंक्शन में हमने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करी, जबकि ऊपर एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास हो रही है और दो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कंपलसरी होता है पास करना, तो ये हो जाएगा इनवैलिड, यानी इसका रीजन हो जाएगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज कंपलसरी टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। ये चीज क्लियर हो गई? फिर से एक बार देख लिए, बी इनवैलिड इसलिए था कि क्योंकि सिर्फ स्पेसिंग को पास किया, इसमें ऑब्जेक्ट जो ऊपर ऑब्जेक्ट पास हो रहा उसके लिए वैल्यू नहीं थी। इट मींस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग। डी वाले पार्ट में आइए, डी वाले पार्ट में हमने ओबीजे 11 भी पास किया, ऑब्जेक्ट भी पास किया, यानी ऊपर ऑब्जेक्ट को दो वैल्यू मिल रही है जो पॉसिबल नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट को एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। एफ वाला क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसमें एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करी है, जबकि ऊपर एक ऑब्जेक्ट करके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है जिसको कंपलसरी है पास करना। यानी अगर हम खाली यहां पे 10 लिख देते तो ये फंक्शन कॉलिंग सही हो जाता। फिर आते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में इन्फो कॉल हुआ, कोलैप्स को वैल्यू दी जीरो, ये है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और ओबीजे थ्री पास किया। कोई बता सकता है ये वैलिड है इनवैलिड? ये इनवैलिड है। रीजन, इसका रीजन ये है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते हैं। ये तब सही होता जब हमने ओबीजे थ्री पहले लिखा होता, फिर कोलैप्स को वैल्यू दी होती। लेकिन हमने यहां पे क्या कर रखा है? कोलैप्स को आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिया और फिर मैंने यहां पे वैल्यू दी, इनवैलिड है। एच पार्ट देखते हैं, फंक्शन कॉल हुआ, अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। स्पेसिंग को पहले वैल्यू दे दी 15, पॉसिबल है, ऊपर स्पेसिंग को वैल्यू मिल जाएगी 15। ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल गई 4, पॉसिबल है, और कोलैप्स को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 1। इट मींस ये है वैलिड। इसका मतलब इसमें इनवैलिड ऑप्शन कौन कौन से हैं? इनवैलिड ऑप्शन है बी, रीजन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, डी रीजन सेम आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी गिवन मोर देन वन वैल्यू, एफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग अगेन, इट इज कंपल्सरी टू पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एंड जी पार्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी गिवन आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट शुड बी गिवन बिफोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मीन्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग। थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट, मीन्स सेम आर्ग्यूमेंट हैज बीन असाइंड वैल्यू ट्वाइस। ई इज करेक्ट, एफ इज अगेन इनकरेक्ट, रीजन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी स्किप्ड। जी इज इनकरेक्ट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट शुड बी गिवन बिफोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एंड एच इज करेक्ट। अब हम लोग न्यू टॉपिक पे आते हैं, पासिंग लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन। इसकी हेडिंग क्लियर है? अभी तक हम लोग ने फंक्शंस बनाए, तो इन फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं? इन फंक्शन में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया def change, a पास कर दिया, तो a यहां पे क्या है? एक वेरिएबल है। दो नंबर्स पास कर दिए, फंक्शन बनाया सम,
दो नंबर्स पास कर दिए ए बी, फिर सी में ए प्लस बी कर दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या है, इंटीजर वैल्यूज है, फ्लोट वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन क्या ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल पास किए हैं, क्या ये लिस्ट हो सकती है जो हम लोग ने पढ़ा था? लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दैट आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, पढ़ा था हम लोग ने ये। तो ये टॉपिक उसी से डील करता है, पासिंग लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, ये टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है पासिंग स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, दोनों बोर्ड और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्लास ट्वेल्थ में लिस्ट और स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फंक्शंस के थ्रू लिखने को आते हैं। तो अगर आपने फंक्शन में पास करना नहीं सीखा लिस्ट और स्ट्रिंग को, तो आप ये प्रोग्राम्स नहीं कर पाओगे। अब आपको क्लास 11 में पढ़ाया था कि लिस्ट इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप, इट मींस इट्स वैल्यू कैन बी चेंज इन प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के अंदर हम जो चेंजेस करेंगे लिस्ट में, वो ओरिजिनल लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा, मींस वो चेंजेस ओरिजिनल लिस्ट में भी होंगे। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, एक फाइल ओपन करी, यहां पे एक फंक्शन बनाया डिफाइन करके चेंज, और इसके अंदर लिस्ट पास कर दी माई एल एस टी। कैसे पता चल रहा है ये लिस्ट पास हो रही है? इस पॉइंट पे पता नहीं चलेगा, इस पॉइंट पे तो इसे लगेगा माई लिस्ट कोई वेरिएबल है, ये कॉलिंग से पता चलेगा। अब आपको मैंने लिस्ट में एक फंक्शन पढ़ाया था अपेंड। अपेंड क्या करता है, नई वैल्यू ऐड कर देता है लिस्ट के एंड में। यहां मैंने अपेंड कर दिया 80 और फिर मैंने एल एस टी में अपेंड कर दिया 90। मैंने प्रिंट नहीं कराया, जब मेन ब्लॉक पे आए, मेन ब्लॉक या कॉलिंग ब्लॉक, तो मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 2 3। कैसे पता चल रहा है ये लिस्ट है, क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज दी हैं, तो ये लिस्ट हो गया। अब मैंने लिखा प्रिंट करके लिस्ट बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, यानी फंक्शन कॉल करने से पहले हमने इस लिस्ट को प्रिंट कराया एलएसटी। क्या प्रिंट होगा, एलएसटी की वैल्यू है 1 2 3, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया चेंज और इसके अंदर लिस्ट को पास कर दिया और फिर प्रिंट कराया प्रिंट लिस्ट आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन और फिर प्रिंट करा दिया लिस्ट को। अब क्या आउटपुट आएगा, चलिए इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन डिफाइन है इसको स्किप करेगा, मेन ब्लॉक में आएगा, एक लिस्ट बनेगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। प्रिंट होगा लिस्ट बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, तो लिस्ट क्या प्रिंट होके आएगी, लिस्ट प्रिंट होके आएगी 1 2 3। फिर हमने चेंज फंक्शन कॉल किया और लिस्ट पास करी, ये लिस्ट की वैल्यू किसमें पास होके आई, माय लिस्ट में। इसका मतलब माय लिस्ट में भी है 1 2 3। अब हमने माई लिस्ट में अपेंड किया 80 90, यानी उसके एंड में एक 80 अपेंड हो गया 90। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर माई लिस्ट को प्रिंट नहीं कराया है, वापस आके प्रिंट कराया लिस्ट आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन एल एस टी। तो क्या एल एस टी में चेंजेस होंगे, हो जाएंगे, क्योंकि ये म्यूटेबल होती हैं। और इसमें जब आप फंक्शन के अंदर लिस्ट में चेंजेस करोगे तो ओरिजिनल लिस्ट में भी हो जाएंगे। तो माई लिस्ट जब प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट होगी 1 2 3, मतलब ये कॉलिंग ब्लॉक में आके जब आप एल एस टी प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट होगा 1 2 3 80 90। इसका मतलब पहला आउटपुट आएगा 1 2 3, ये था फंक्शन कॉल होने से पहले,
और दूसरा आउटपुट आएगा 1 2 3 80 90 जो फंक्शन कॉल होने के बाद है। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए लिस्ट बिफोर कॉलिंग द फंक्शन 1 2 3, लिस्ट आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन 1 2 3 80 90। जबकि हमने चेंजेस किस लिस्ट में किए थे, माई लिस्ट में, लेकिन ये म्यूटेबल होती है तो जो भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं उनमें अगर चेंजेस होगा तो ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंजेस होंगे। आपने यार ये लिस्ट में अपेंड किया था 80 90 माय एलएसटी में और चेंजेस किस में हुए, एलएसटी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज आते हैं, ये आउटपुट आया, चलिए एक आउटपुट करके दिखाइए। बताइए क्या आउटपुट आएगा। इसमें मैंने एक फंक्शन यूज किया एक्सटेंड। जो बच्चे भूल गए कि एक्सटेंड क्या करता है, आपको बता दूं, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करता है, मतलब कॉन्कैटिनेट करता है। जो पहले से लिस्ट बनी है उसमें दूसरी लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो जाएगी एंड में जाके। तो सॉल्व कीजिए और बताइए इसका क्या आउटपुट आएगा। यह आपका मेन ब्लॉक है, एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, चलिए साथ साथ सॉल्व करते हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है पहली लाइन से, पहली लाइन स्किप हुई, पूरी बॉडी स्किप हुई, मेन ब्लॉक में आया। मेन ब्लॉक में एलएसटी को एक वैल्यू मिल गई 579, यानी यहां पे एलएसटी को वैल्यू मिल गई 579। उसके बाद प्रिंट कराया एलएसटी, तो एलएसटी प्रिंट होगा 579। आउटपुट क्या आ रहा है, पहला आउटपुट आएगा 579। उसके बाद मॉडिफाई फंक्शन कॉल हुआ और एलएसटी पास हुआ। एलएसटी की वैल्यू किस में पास होके गई, माय एलएसटी में, यानी माय एलएसटी में भी आ गया 579। अब MyLST में extend फंक्शन यूज करके तीन नए, मतलब एक नई लिस्ट ऐड करी और जिसके एलिमेंट्स हैं 21 22 23। तो यानी MyList में ही तीन एलिमेंट ऐड हो जाएंगे 21 22 23। अब आपको ये डिसाइड करना है कि MyList में चेंजेस होंगे तो क्या ओरिजिनल में भी चेंजेस होंगे। बिल्कुल होंगे, यानी ओरिजिनल लिस्ट में भी 21, 22, 23 ऐड हो जाएगा। अब mylist.pop, pop फंक्शन याद है किसी को? pop फंक्शन में अगर हम वैल्यू पास नहीं करते हैं तो ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या है इसका, 23। तो ये 23 डिलीट होगा mylist से, mylist से डिलीट होगा तो किससे डिलीट हो जाएगा, लिस्ट से। वापस कंट्रोल ट्रांसफर होता है, आपको बताया था जब एक बार फंक्शन एंड होता है तो कंट्रोल वापस ट्रांसफर होता है। अगर रिटर्न होता तो वैल्यू के साथ कंट्रोल ट्रांसफर होता है, रिटर्न नहीं है तो सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफर होके आएगा प्रिंट लिस्ट पे। क्या प्रिंट होगी, लिस्ट, लिस्ट की वैल्यू हो चुकी है इस समय 579 21 22। ये आउटपुट है, इज इट क्लियर, ठीक है। ये आंसर था, पहला आउटपुट आ रहा था 579 जो फंक्शन कॉल करने से पहले था, दूसरा आउटपुट है 579 21 22। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी म्यूटेबल डेटा टाइप होती है उसको अगर हम फंक्शन में चेंजेस करेंगे उसमें तो ओरिजिनल में भी चेंजेस होंगे जो कॉलिंग में ले रखा है। कुछ प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं, प्रोग्राम्स ऑन पासिंग लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन। यहाँ पे हम लोग तीन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट। यानी एक फंक्शन बनाना है जिसमें लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट है और उसके सारे एलिमेंट्स का सम हो रहा है। एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, इस फंक्शन को बनाते हैं। एक फंक्शन बनाया डेफ,
फंक्शन का नाम रख लिया हमने सम, इसके अंदर लिस्ट पास कर रहे हैं माय एलएसटी। अब हमें इसके सारे एलिमेंट्स का सम करना है, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने एस जीरो, लूप चलाते हैं इन ऑपरेटर का यूज करके फॉर ए इन माय एलएसटी एस इक्वल टू एस प्लस ए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये रिटर्न कर रहा है या नहीं। इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है दैट टेक्स ए लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। इसका मतलब यहां पे हमें रिटर्न कराना है, तो लूप से बाहर आए और रिटर्न कराया एस। अब ये आ गया हमारा मेन ब्लॉक। इस मेन ब्लॉक में हमने एल एस टी वैल्यूज ली, उसमें वैल्यू दे दी हमने 1, 2, 3। अब हमें फंक्शन कॉल करना है, बताइएगा कौन सा सही तरीका है। क्या ये सही तरीका है? ये गलत तरीका है। रीजन, फंक्शन रिटर्न कर रहा है और जब फंक्शन रिटर्न करता है तो कॉलिंग पार्ट में लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लेते हैं। तो इसका सही तरीका था एक्स इक्वल टू सम एल एस टी, और जो एस की वैल्यू है यहाँ पे जब आप रिटर्न कराओगे एस, तो ये एक्स में रिटर्न होके आएगा। तो अब आप प्रिंट करा दो सम इक्वल टू एक्स, रन कराइए, सम इक्वल टू 6 आ रहा है और एलिमेंट्स का सम यही आएगा 1, 2, 1 + 2 + 3 का सम 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स, अगेन इसमें रिटर्न्स वर्ड यूज हो रहा है, द सम ऑफ ऑल इट्स ऑड एलिमेंट्स। तो हम इसमें चेंजेस करने की बजाय फिर से टाइप करते हैं प्रोग्राम। एक फंक्शन बनाना है जो लिस्ट के ऑड एलिमेंट्स का सम रिटर्न करेगा, तो डेफ सम का फंक्शन आ गया सम ऑड, इसके अंदर लिस्ट पास कर दी माय एलएसटी। एक सम के लिए वेरिएबल ले लिया जीरो, लूप चलाया फॉर ए इन माय एलएसटी सम। अब हमें सिर्फ ऑड एलिमेंट्स का सम करना है, तो इफ ए मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू s प्लस a, यानी सिर्फ ऑड एलिमेंट्स का सम होगा और फिर रिटर्न कर दिया। अगर आप देखिए तो मैंने रिटर्न लिखा है फॉर के बाहर, इफ के बाहर और फॉर के बाहर लिखा हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा रिटर्न s। अब आ जाएगा ये हमारा कॉलिंग ब्लॉक, या इसे बोलते हैं मेन ब्लॉक। ये बार बार मैं कमेंट बना के इसलिए लिख देता हूं कि आपको क्लियर है कि ये फंक्शन के बाहर जो लिखते हो दैट इज मेन ब्लॉक। अब यह हमने लिस्ट ले लिया एल एस टी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिया एक्स, फंक्शन का नाम लिखा सम ऑड और ब्रैकेट में पास कर दिया एल एस टी। वैल्यू रिटर्न होके आएगी एक्स में, उसको प्रिंट करना जरूरी है, नहीं तो आउटपुट यहाँ आएगा सम इक्वल टू कॉमा एक्स। तो इसमें ऑड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5, तो 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, इसका आंसर आएगा 9। मेरे ख्याल से आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ए फंक्शन लार्जेस्ट, जिसमें हम लिस्ट पास कर रहे हैं एलएसटी, दैट फाइंड्स द लार्जेस्ट एलिमेंट इन ए लिस्ट, जो इस एलिमेंट में लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करके प्रिंट करेगा। लॉजिक आपको क्लियर है? फिर से लॉजिक समझा देते हैं। इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया लार्जेस्ट, ब्रैकेट में लिस्ट पास कर दी, एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स जिसकी वैल्यू 0 कर लेते हैं। अब लूप चलाइए इन का फॉर ए इन माय एलएसटी। इससे क्या होता है, लूप से इस ए में माय एलएसटी की पहली वैल्यू आएगी, चेक कराइए क्या ए ग्रेटर है मैक्स से। अगर मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स में आ जाएगी ए की वैल्यू। इसी तरह लूप चलता रहेगा, लास्ट में मैक्स में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न करा दिए मैक्स को। कॉलिंग ब्लॉक में
लिस्ट ले लिए, मान ली हमने लिया 12, 34, 55, 10। अब हमने फंक्शन कॉल किया, रिटर्न हो रहा है, तो x इक्वल टू लार्जेस्ट, ब्रैकेट में क्या पास करेंगे, लिस्ट, प्रिंट कराया, प्रिंट सम इक्वल टू, नहीं, लार्जेस्ट नंबर इज x, रन कीजिए तो आपको आउटपुट मिलेगा 55। तो ये था कि हम कैसे पास कर सकते हैं लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन। तो अगर आप देखिए तो लिस्ट को पास करना इतना सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल पास करते हो वैसे ही लिस्ट भी पास हो रही है, कोई एक्स्ट्रा आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, जो बताना पड़ रहा है कि यहां लिस्ट है, ठीक है। चलिए राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पासिंग स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन, यानी हम फंक्शन को स्ट्रिंग कैसे पास कर सकते हैं। स्ट्रिंग भी पास उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमने लिस्ट पास किया या नॉर्मल वेरिएबल करते हैं, लेकिन आपको एक चीज पहले बता दें कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके अपनी जगह, यानी आप स्ट्रिंग की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं नॉर्मल बिना फंक्शन के, कि आपने एक वेरिएबल लिया ए और उसके अंदर लिखा हेलो, प्रिंट ए कराइए हेलो आ जाएगा। लेकिन अब आप ट्राई कीजिए कि इसके पहले इंडेक्स की जो वैल्यू उसे चेंज कर दें, पहला इंडेक्स होता है जीरो, तो ए ऑफ जीरो पे आपने कर दिया सी, अब प्रिंट कराइए ए, देखिए क्या ये प्रोग्राम रन हो रहा है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एरर दे रहा है, और एरर क्या आ रहा है, एसटीआर ऑब्जेक्ट मींस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मींस आप स्ट्रिंग में किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पूरी स्ट्रिंग चेंज कर दें तो ये चलेगा, जैसे मैंने लिख दिया वर्ड, तो ये वर्क कर जाएगा, पहले प्रिंट होगा हेलो और फिर प्रिंट हो जाएगा वर्ड, क्योंकि मैंने बताया था कि हेलो किसी एड्रेस पे स्टोर हुआ होगा मेमोरी में, तो ए उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और जब वर्ड आपने किया तो वर्ड जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था ए उसको पॉइंट करने लगा है। क्लियर। स्ट्रिंग के केस में अगर आप फंक्शन के अंदर चेंजेस करते हैं स्ट्रिंग में, चेंजेस मेड इन ए स्ट्रिंग बाय ए फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इन ए ओरिजिनल स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, यानी आपने फंक्शन में स्ट्रिंग पास करी, उस स्ट्रिंग में चेंजेस हुए तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होंगे। इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और बताइएगा, यहां हम टाइप करते हैं प्रोग्राम, एक हमने फंक्शन बनाया चेंज नाम का और उसमें एस पास किया, एस स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, लिस्ट है, ये यहां से नहीं पता चलेगा, कॉलिंग से पता चलेगा। अब मैंने एस की वैल्यू चेंज कर दी हेलो, कॉलिंग पार्ट में आए यानी मेन ब्लॉक में, हमने एस में वैल्यू दे रखी है वर्ड, प्रिंट एस कराएंगे क्या प्रिंट होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन ब्लॉक से स्टार्ट होता है तो पहले एस एक में वर्ड है तो प्रिंट होगा वर्ड। फिर हमने फंक्शन कॉल किया चेंज एस और उसमें एस आर्ग्यूमेंट पास कर दी, ये एस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ऊपर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एस में जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अब मैंने ऊपर फंक्शन में एस में हेलो किया तो क्या नीचे वाले एस में चेंजेस होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, इट मींस चेंजेस मेड इन ए स्ट्रिंग बाय अ फंक्शन
आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इन ओरिजिनल स्ट्रिंग। ये रूल याद रखिएगा, लिस्ट होती तो ऊपर किए हुए चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट होते, लेकिन ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में अगर हम ऊपर फंक्शन में चेंजेस करेंगे तो नीचे चेंजेस नहीं होंगे। तो दोनों बार आउटपुट क्या आएगा, वर्ड और वर्ड। इसको रन कराइए, देखिए दोनों बार आउटपुट आ रहा है वर्ड, यानी इस प्रोग्राम का आउटपुट है। फिर से देख लिए कैसे हुआ, हमने मेन ब्लॉक में एस को लिखा वर्ड, प्रिंट एस कराया तो वर्ड प्रिंट हुआ, फिर चेंज फंक्शन कॉल हुआ, एस पास किया, इस एक्स एस की वैल्यू आई ऊपर वाले एस में। तो हम लोग को लग रहा है ये दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअल में पाइथन इनको सेम ट्रीट नहीं कर रहा है। अब एस की वैल्यू हेलो कर दी तो ये ऊपर वाले ब्लॉक में एस की वैल्यू चेंज हुई है, नीचे वाले ब्लॉक में चेंज नहीं होगी। अगर हम यहां पे प्रिंट एस कर दें, अगर हम ऊपर फंक्शन में प्रिंट कर दें प्रिंट एस, तो हेलो प्रिंट होगा, लेकिन हमने जानबूझ के प्रिंट नहीं किया और वापस आके मेन ब्लॉक में एस को प्रिंट कराया तो एस की वैल्यू अनचेंज रही, तो ये भी वर्ड प्रिंट होगी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट एग्जांपल का आउटपुट आप लोग खुद ट्राई कीजिए, बताइए क्या आउटपुट होगा इसका। जिनको याद नहीं है कि अपर फंक्शन क्या करता है, हालांकि नाम खुद ही बता रहा है कि ये अपर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा, तो कोई आउटपुट बता सकता है इस प्रोग्राम का, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये फंक्शन का हेडर है तो ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा, फंक्शन मेन ब्लॉक में आएगा। एस को वैल्यू क्या मिलेगी, वर्ड, तो प्रिंट क्या होगी, वर्ड। उसके बाद ये चेंज फंक्शन कॉल हुआ और यहां पे एस पास हुआ, ये एस की वैल्यू ऊपर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एस में आई और ये अपर केस में कन्वर्ट होके एस में स्टोर हो गया। तो क्या ऊपर स्ट्रिंग में जो चेंजेस हुए हैं वो नीचे होते हैं, नहीं होते हैं। अगर हम यही फंक्शन के अंदर अगर एस प्रिंट करा दें तो वर्ड कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा, लेकिन हमने प्रिंट नहीं कराया और वापस आके मेन ब्लॉक में एस प्रिंट करा रहे हैं तो आप देखेंगे फिर से वर्ड प्रिंट हो रहा है स्मॉल में ही, कैपिटल में प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि जब आप स्ट्रिंग पास करते हैं किसी फंक्शन को तो वो फंक्शन अगर स्ट्रिंग में चेंजेस कर रहा है तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम्स ऑन पासिंग स्ट्रिंग्स एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन। जैसे अभी हम लोग ने लिस्ट पास करके फंक्शन में प्रोग्राम बनाए थे, इसी तरह हम फंक्शन को स्ट्रिंग पास करके प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। राइट ए फंक्शन दैट रिसीव्स ए स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न इट्स लेंथ विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन। यानी एक फंक्शन बनाइए अपना जो स्ट्रिंग तो लेगा आर्ग्यूमेंट में और वो उसकी लेंथ रिटर्न करेगा, लेकिन आपको लेन फंक्शन यूज नहीं करना है। चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं, आईडीएली ओपन करी, एक फंक्शन बना लिया डेफ, फंक्शन नाम रख लिया लेंथ, इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी एस। अब एक तो तरीका था हम लिख देते एक्स इक्वल टू लेन ब्रैकेट में एस, लेकिन लेन फंक्शन यूज नहीं करना है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सी जीरो और लूप चलाते हैं इन का, रेंज का लूप नहीं चलाते हैं, फॉर ए इन एस। इससे क्या होगा, एस में एक एक लेटर ए में आएगा और वो पढ़ता जाएगा, तो जितनी बार लूप चलेगा ए में हर बार एक न्यू लेटर आता जाएगा स्ट्रिंग का और वो लूप चलता जाएगा। हम यहाँ सी को बढ़ाते जाएं, यानी जितनी बार ये लेटर पड़ेगा उतने लेटर्स होंगे स्ट्रिंग में। तो ए इन एस, सपोज एस के अंदर स्टोर था हेलो, तो सबसे पहले फॉर ए इन एस ने ए में क्या आया एच, तो पहला लेटर पड़ा तो सी की वैल्यू हो गई वन, फिर लूप चला ए इन एस तो उसने पढ़ा ई, सेकेंड लेटर पढ़ा सी की वैल्यू हो गई टू, फिर फॉर ए इन एस इसने थर्ड लेटर पढ़ा एल, सी की वैल्यू हो गई थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। जब इस लूप से बाहर आ जाएं तो प्रिंट करना है रिटर्न करना है, क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दिया सी। अब ये आ गया मेन ब्लॉक, इसमें हमने कोई वेरिएबल ले लिया ए,
यूजर से इनपुट ले लेते हैं, स्ट्रिंग इनपुट लेते हुए एंड नहीं लगाते हैं, एंटर स्ट्रिंग। अब बताइएगा कौन सा सही तरीका है, length a कॉल करें या x इक्वल टू length a कॉल करें, कौन सा सही तरीका है फंक्शन कॉल करने का? ये आपका रॉन्ग मेथड है। रीजन, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, फंक्शन जब भी रिटर्न करता है तो फंक्शन कॉलिंग के लेफ्ट साइड में वेरिएबल लेते हैं, तो ये रॉन्ग तरीका है, ये करेक्ट तरीका है। रिटर्न सी में सी की वैल्यू रिटर्न हो गई, किसको आएगी? एक्स को। अब यहाँ प्रिंट कर दिए, प्रिंट लेंथ इक्वल टू सी, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, एंटर स्ट्रिंग हेलो। कितने लेटर्स की स्ट्रिंग है? 5। सी इज नॉट डिफाइंड, रीजन यहाँ पे एक्स लिया था हमने, तो एक्स लेते हैं यहाँ पे, सी ऊपर लिया है। देखिए सी नाम हमने ऊपर फंक्शन में रखा था और यहाँ पे क्या नाम रिटर्न होके वाली है, वैल्यू एक्स में, तो एक्स लेंगे, एंटर स्ट्रिंग हेलो 5। इसको फिर से रन कराते हैं, फिर से उसने पूछा एंटर स्ट्रिंग इंटरनेट, आउटपुट आ रहा है 8। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। राइट ए फंक्शन दैट टेक्स ए स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न इट्स रिवर्स। उस फंक्शन में स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि उस स्ट्रिंग का रिवर्स रिटर्न कर देगा। तो फिर से एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, फंक्शन नाम रख लेते हैं रिवर्स, उसके अंदर एस पास किया, एस यानी स्ट्रिंग। रिवर्स करने के लिए आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं, आपको स्लाइसिंग पढ़ाई थी जो सबसे इजी तरीका है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया s इक्वल टू s ऑफ डबल कोलन माइनस 1। डबल कोलन माइनस 1 का होता है कि स्ट्रिंग रिवर्स होके s में स्टोर हो जाएगी, और रिटर्न करा दिया हमने s। कॉलिंग ब्लॉक में मैंने इनपुट लिया a इक्वल टू इनपुट, एंटर स्ट्रिंग। अब रिटर्न हो रहा है s, तो हमने यहाँ पे वैल्यू ली b इक्वल टू रिवर्स और ब्रैकेट में a पास कर दिया। रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर होके किस में आएगी? रिटर्न होके, रिटर्न होके आएगी b में, तो हम प्रिंट कर देंगे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू b। मेरे ख्याल से बहुत इजी प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं। स्ट्रिंग इनपुट करी हमने हेलो, रिटर्न होके आ रही है ओले। इसको फिर से रन कराते हैं, स्ट्रिंग दी हमने आर्यन, स्ट्रिंग रिवर्स होके आ गई नायरा। थर्ड प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स टू स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट्स एंड स्वैप देयर वैल्यूज। अब इसमें कहीं भी रिटर्न वर्ड यूज नहीं हो रहा है, इसके अलावा हमें टाइप वन कैटेगरी का फंक्शन बनाना है, उनकी वैल्यूज रिटर्न करनी है स्वैप करके। तो हमने फंक्शन बनाया डिफरेंट स्वैप, इसके अंदर दो वैल्यू पास कर दी एस वन एस टू, दो स्ट्रिंग हो गई। अब हमें स्वैप करनी है, तो हमने एस थ्री में एस वन लिया, एस वन में एस टू लिया, और एस टू में हमने कर दिया एस थ्री। एक तो ये स्वैपिंग का तरीका है, और दूसरा स्वैपिंग का तरीका क्या होता है, एक लाइन में स्वैप कर सकते हैं, एस वन कॉमा एस टू इक्वल टू एस टू कॉमा एस वन, ये भी आपको सिखाया था। प्रिंट करा दिए एस वन कॉमा एस टू। अब मेन ब्लॉक पे आइए, मेन ब्लॉक में एस वन इनपुट लिया, सपोज एस वन ले रखा है हेलो, डायरेक्ट लिख देते हैं, एस टू लिख ले रखा है हमने वर्ड, प्रिंट कराते हैं पहले एस वन एस टू, क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ड। फिर फंक्शन कॉल किया हमने स्वैप, और इसके अंदर एस वन एस टू पास कर दिया। अब आप देखेंगे स्वैप होके प्रिंट हो रहा है वर्ड हेलो, इसको रन कराते हैं, क्लियर।
ये आपका होमवर्क है। इसमें हमने तीन प्रोग्राम जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये पासिंग लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन पे है, और फोर्थ और फिफ्थ प्रोग्राम पासिंग स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन पे है। पहला प्रोग्राम क्या कहता है, राइट ए फंक्शन दैट प्रिंट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। हम लोग ने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। फिर आपको बनाना है राइट ए फंक्शन स्वैप लिस्ट, मतलब स्वैप के अंदर एक लिस्ट पास होगी, दैट स्वैप्स द अल्टरनेट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। इसका एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इफ एलएसटी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इवन होना चाहिए, 5, 6 इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए तभी स्वैप होगा, देन आउटपुट विल बी, क्या होगा आउटपुट, एलएसटी हो जाएगा 1, 2 है सॉरी, ये तो 1, 2 से स्वैप होगा तो 2, 1, 3, 4 से स्वैप होगा तो 4, 3, 5, 6 से स्वैप होगा तो 6, 5, ये आउटपुट आना चाहिए, और इसमें इवन साइज होना चाहिए। थर्ड प्रोग्राम है राइट ए फंक्शन अरेंज, जिसके अंदर लिस्ट पास कर रहे हैं, दैट अरेंजेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। यानी एक लिस्ट पास करेंगे, उस लिस्ट के एलिमेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर लिस्ट है 1, 5, 3, 2 तो आउटपुट आ जाएगा एलएसटी इक्वल टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5, 3, 2, 1। इसके दो तरीके हैं, आपको एक सॉर्टिंग पढ़ाई थी बबल सॉर्टिंग या इंसर्शन सॉर्टिंग, तो आप बबल सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं, या एक सॉर्ट फंक्शन पढ़ाया था आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चंस, ये होमवर्क डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए फंक्शन दैट टेक्स टू स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड चेक्स वेदर दे आर ऑफ सेम लेंथ स्ट्रिंग्स और नॉट। मतलब दो स्ट्रिंग पास कीजिए और बताइए क्या वो सेम लेंथ की हैं। आपका फंक्शन रिटर्न करेगा मैसेज अकॉर्डिंगली, मींस अगर सेम लेंथ की है तो प्रिंट होके आ जाए दे आर ऑफ सेम लेंथ, और अगर नहीं है तो फंक्शन रिटर्न कर दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। अगर सेम लेंथ की है तो फंक्शन रिटर्न करेगा दे आर ऑफ सेम लेंथ, और अगर डिफरेंट लेंथ की है तो प्रिंट हो जाएगा दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। फिफ्थ है राइट ए फंक्शन दैट टेक्स टू स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग, मतलब जिसकी लेंथ कम है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करना है, जिसकी लेंथ कम है उस स्ट्रिंग को वो रिटर्न करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।